मेरी तरफ से सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन क्या नहीं करते हैं, जिसको कर लेने मात्र से पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो पहला काम ये है कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें, किसी भी तरह का पेड़ पौधा न काटें, क्योंकि एकादशी और जन्माष्टमी एक बराबर का ही व्रत होता है। जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल तुलसी पत्र ना तोड़ें, पहले से ही तोड़कर रखें और वही अर्पित करें। दूसरा कार्य यह है कि किसी भी भक्तों का या गाय का अपमान उस दिन ना करें, इसको करने मात्र से पाप के भागीदार बन जाएंगे। क्योंकि गाय से कृष्ण खेला करते थे, बहुत प्रेम करते थे। गौ माता होती हैं, गौ का अगर किसी भी तरह से अपमान करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तीसरा काम यह है कि उस दिन प्याज लहसुन या तामसिक भोजन बिल्कुल न करें, व्रत जो रहता है उसे भी और जो नहीं रहता है उसे भी नहीं करना चाहिए। उस दिन चावल और जौ से बने हुए चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी एकादशी के बराबर ही होता है। चावल में पाप बसता है, इसलिए बिल्कुल चावल न खाएं, जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भी है। और जो व्रत रखते हैं तो बात ही अलग है, वो तो व्रत रखते ही हैं। चौथा काम, ब्रह्मचर्य का पालन करें उस दिन, और निंदा शिकायत ना करें, क्रोध ना करें, नहीं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। पांचवा कार्य यह है कि उस दिन किसी भी तरह का गलत शब्द ना बोलें, गलत ना करें, और जहाँ तक होए वहाँ तक भजन कीर्तन में ही रहें, किसी की निंदा शिकायत ना करें, नहीं तो व्रत का कोई भी फल नहीं प्राप्त हो। राधे राधे दोस्तों, ये 5 कार्य करना वर्जित है, ज़रूर इसे निभाएं। जय श्री राधे।